अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको चूड़ीदार पजामे की स्टिचिंग सिखाऊंगी। पहले मैंने इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, अब मैं इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी, ठीक है। और अगर आपको कटिंग की वीडियो ढूंढने में मुश्किल होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी। देखें, जैसे हमने पहले इसका कट किया था चूड़ीदार पजामा, ये चार पीस साथ जोड़े थे ना, जोड़ डाला था। अब ये जो पीस है इनको चारों को एक एक करके इसके साथ जोड़ना है। ये देखिए चार पीस है, एक दो तीन चार, ठीक है। ये चारों इनको इसके साथ जोड़ना है। ये है एक पीस, ये हो गया, ठीक है। दो पीस इसके साथ लगेंगे और दो पीस इसके साथ लगेंगे। पहले एक साइड को हम नहीं लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी अगर सीधी साइड है, ऐसे आप लोगों से समझ आ रहा है, ये जोड़ आ रहा था। तो यहाँ पे हम रखेंगे, एक पीस रख लेते हैं, तीन उठा लेते हैं, ठीक। ये सीधी साइड है तो इसी हिसाब से हमने इसके ऊपर ऐसे पीस रखना है, पूरा पूरा ये पीस रख लिया। अब इसको हम स्टिच कर लेंगे, बिल्कुल पूरा पूरा आना चाहिए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो बाहर को निकल जाएगा और वो कट कर देंगे। मैंने इसलिए थोड़ा रखा था मार्जिन में कि अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं होगा, अगर कम हो जाएगा तो फिर उस सिलाई में स्टिचिंग में मुश्किल होती है। और आपने पक्का जरूर कर लेना इसका, फिर ये कपड़ा निकलता नहीं है। मार्जिन में ज़रा कपड़ा रख लेना है कि निकल ना जाए, क्योंकि ये जोड़ है ना, जोड़ का फिर ये होता है कि दोबारा सिलाइयाँ लगा लगा के बंदा बस सिलाई लगाता है इसको, सिलाई लगाता है इसको। पूरे को इसी तरह आपने स्टिच कर लेना है। एक पीस जोड़ दिया, ये पीस जोड़ने के बाद फिर हम दूसरा जोड़ेंगे और इसी तरह हम दूसरी साइड का भी जोड़ेंगे। ये देखिए, ये लग गया पीस। अब ये मैं आपको बताती हूँ ये कैसे, ये देखिए, ये था जोड़ और ये देखिए, ये साइड पूरी हो गई। अब ये जो कॉर्नर हमें नज़र आ रहा है बाहर से, ये एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है, इसको हम ऐसे करते हैं इधर पर, अब इस साइड से ये बराबर हो गया। इस साइड पे कपड़ा लगा रही हैं, इसी तरह हम ये दूसरी साइड है, इसको हम ऐसे रखेंगे। ये है इसका एक्स्ट्रा, तो इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे सीधी साइड रखे तो फिर आपने ऊपर कपड़ा रख देना ऐसे। ये रखा इसके ऊपर कपड़ा ऐसे था, दो पीस उठा रही है और इसको ऐसे करना है, ये सही हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जब ऐसे रखेंगे इसको सीधा करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसको रख के मैं अब इसको भी स्टिच कर देती हूँ, जैसे उसे स्टिच किया वैसे ही साइड पर रख के मैं स्टिच कर देती हूँ। एक्स्ट्रा जो कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है वो हम कट कर देंगे बाद में। कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ज़रा ध्यान से रखना आपने, आड़ा कपड़ा ना तो ये ज़रा भी निकल गया ध्यान से सारा। पक्का कर लेना इसको आपने लाजमी, पक्का करेंगे तो फिर और इसी तरह एक से डेढ़ पाउंड कपड़ा जो है आपने एक से डेढ़ पाउंड का छोड़ना, ज़्यादा कपड़ा रखना मार्जिन, मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए इसका, वैसे दो मतलब कपड़ों को, लेकिन फिर भी मार्जिन ज़्यादा रखना चाहिए। ये देखें, ये सिलाई लग गई है इसको, जिस तरह उसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया हमने उसी तरह इसका भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। जैसे ये देखिए, ये है ना, ये जो
इसका निकलेगा, ये कट कर देंगे और इधर से ये जो निकलेगा इसको ऐसे कट कर। अब इसको मैं आपको फोल्ड करके बताती हूँ कि ये पूरा का पूरा जो जोड़ हमने डाला है ना वो कैसे बना। ये देखिए ये जोड़ डाल गया, इसी तरह हम दूसरी साइड पे जोड़ डालेंगे और फिर इसको सिंपल जैसे ट्राउज़र की स्टिचिंग करते हैं वैसे स्टिच कर देंगे। ये देखें इसी तरह मैंने दोनों साइडों पर ये जोड़ डाल दिए। ये देखिए जोड़ डालने के बाद जैसे हम सिंपल ट्राउज़र सिलाई करते हैं उसी तरह से हम इसको भी सिलाई कर लेंगे, स्टिच करेंगे। सिंपल ट्राउज़र की जैसे स्टिचिंग है वैसे ही होगी, बस ये जोड़ का थोड़ा सा उलझन होती है स्टूडेंट को देखने में। ये देखिए ऐसे ही होता है ना ट्राउज़र की सिलाई, इसको ऐसे सॉरी मैंने उल्टा रख दिया, सीधा कर रहा था। सीधी साइड को सीधी साइड से जोड़ना, ये सीधी साइड है इसकी और इसकी ये सीधी साइड है, इसको इससे जोड़ना। सीधी साइड को सीधी साइड से जोड़ेंगे तो फिर सिलाई ठीक आएगी। ये देखिए ये सीधी साइड और जुड़ गई सीधी साइड के साथ, इसको रख के ना हम सिलाई कर लेंगे। और जो है इसके कपड़ा थोड़ा अपने मार्जिन में रख लेना, एक तो ये धागा निकल जाता है। एक साइड में आपने पूरी सिलाई लगानी है, एक साइड पे जो ऊपर चिड़ी बनाते हैं उसके लिए आपने थोड़ी सी ना नेफे के लिए जो नेफा बनाने के लिए जगह छोड़ते हैं ना वो प्लास्टिक डाल देते हैं वो छोड़ देंगे। इस साइड पे मैंने पूरी सिलाई लगा दी है, दूसरी साइड में मैं जगह छोड़ दूँगी। कपड़ा बार बार कह रही है हमने ज़्यादा रखने फिर ऐसे निकल जाते हैं। इसको पक्का कर लें, पीछे को कर लें ऐसे कर लें मर्जी आपका ही कर लें। ये देखिए ये सिलाई लग गई। अब दूसरे साइड पर आपको मैं वो बनाना चूड़ी बनाना बता दूँ, तीन किस्म की होती है, एक बच्चों के लिए, एक लड़कियों वाली होती है और एक दूसरी जो मर्दाना शलवार पे बनती है। सिंपल तो चले मैं आ जाती हूँ, इसे सिलाई लगानी है यहाँ पे डबल कर लेते हैं इसको ताकि। अब जितना हमने कपड़ा छोड़ना है फिर जितने में से इलास्टिक वगैरह डाल जाए, ये मैं काट रही थी, इतनी मैंने ये सिलाई लगाई है, इतना कपड़ा छोड़ के कि जितने में नाला पानी गुजर जाए और इलास्टिक डाल जाए उतना छोड़ के तो मैं आगे सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पे सिलाई लगाई, इतना छोड़ा तकरीबन अंदाजे से एक से डेढ़ इंच छोड़ना आपने, ठीक है, निशान लगा के छोड़ने चाहे या फिर अंदाजे से छोड़ना। ये लड़कियों के शलवारों में जो होती है ना ये वो वाली एक तो होती है ना जेंट्स शलवारों में वो नहीं है, सिंपल सिलाई लगानी है और नेफा बना लेना। सिलाई लग गई, अब मैं आपको ऊपर से वो नेफा बनाना बता दूँ। ये आ गया इस पर आप सिलाई लगा लें दोनों साइडों पे ऐसे। एक सिलाई इधर लगेगी एक इधर लगेगी और ये कपड़ा जो है ये अंदर आ जाएगा, फिर वो बाहर को निकलेगा नहीं, कपड़ा निकल के जो निकलना शुरू हो जाता है ना कपड़ा फिर वो सारी सिलाई निकल जाती है, हमें दोबारा सिलाई लगानी पड़ती है, तो इससे ये है कि कपड़ा निकलेगा नहीं पक्का काम हो जाएगा। यहाँ तक आपने सिलाई लगानी है जहाँ तक सिर्फ आपने छोड़ा, ये छोड़ा ना ये
यहाँ तक सिलाई लगाई, यहाँ से इस तरह से मांगी। बस यहाँ से फिर सिलाई आपने वापस ले आनी है। ये सिलाई लग गई। अब ये पक्का काम होगा जब आप नाला पानी डालेंगे इलास्टिक डालने के लिए, फिर ये कपड़ा बाहर को नहीं निकलेगा, इसकी वो निकल जाती है ना तंदे वगैरह, उसकी वजह से फिर वो सारा। ये देखिए ये सिलाई लग गई है ना, अब इसके अंदर आप नाला पानी कुछ भी डालें तो ये कपड़ा जो है बाहर को नहीं आएगा और ख़राब नहीं होगा नेफा। ठीक है, अब इसका मैं बनाना बता देती हूँ इसको कैसे बनाना है। इसको हमने ऐसे रखना है, ये देखिए ये खुल गया मुँह इसका, और इसको इतना रख के या फिर आप इसको खोल लें ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे और ये हमारी बन गई चिड़ी। सिलाई हमने यहाँ से लगाना स्टार्ट करनी है। दो किस्म की तकरीबन मैंने बता दी है, पहले मैंने जो आपको बताई थी वो मर्दाना जो शलवारों पे बनती है वो थी, और अब मैं ये आपको लड़कियों की जो ट्राउज़र वगैरह पे बनती है वो बता दूँ। और एक बच्चों वाली होती है वो तो सिंपल ही स्टिच करनी होती है, ज़रा सी सिलाई लगा कर चले वो भी मैं बनाऊँगी तो आपको बता दूँगी इंशाल्लाह। अब सिंपल इसको हमने दो से डेढ़ से दो इंच होता है तकरीबन, डेढ़ इंच भी कर लें तो काफ़ी है। इतना कपड़ा रख के तो आपने इसकी पूरा जो है चक्कर वो लेना है और पूरी की पूरी सिलाई लगा देंगे स्टिच करने के बाद, फिर आपका ये पूरा जो है आसन बन जाएगा नेफा। सॉरी, ये इस तरह कपड़ा सेम एक जैसा रखने में मुश्किल होगी तो आपने प्रेस कर लेना पहले उसे निशान लगा के, तो प्रेस कर लेंगे निशान लग जाएगा फिर आपको सिलाई करने में आसानी होगी। मैं तो कर लेती हूँ ना तो ये देखें ये मैंने पूरी सिलाई लगा दी है। अब ये तकरीबन ऊपर चढ़ा होगा सिलाई लगानी है क्योंकि सिलाई नहीं करना है। ये हमारा नेफा बन गया। अब सिर्फ हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है नीचे ऐसे रख के। पहले हम पांचा जो है ये मैंने पहले 5 इंच पे कटिंग की निशान लगाया था और आगे मैंने 1 इंच रखा था कटिंग के लिए, तो बाय मिस्टेक मैंने 5 इंच पे कट कर दिया, लेकिन आप लोगों ने एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है जो सिलाई में है। मेरा जो चले काम चल जाएगा, मैं चला लूँगी किसी तरह से इसे पहना जाएगा, लेकिन जो हेल्दी होते हैं उनके लिए होता है कि वो गलती से ये ना हो गया। अगर मैंने 5 इंच पे कट किया है तो आप भी 5 इंच पे ही कट करेंगे। आप लोगों ने 1 इंच जब भी कटिंग करनी है तो जितना आपने स्टिचिंग के लिए रखना है उससे 1 इंच आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, ताकि सिलाई में जो कपड़ा आना है वो भी हमें चाहिए होता है। अब ये इतना सा मैं तकरीबन 1 इंच नीचे से फोल्ड करना है, एक साइड से दोनों साइडों से इसी तरह हमने 1-1 इंच रख के फोल्ड कर लेना। इसको सिलाई लगा लेंगे। अब सिर्फ की सिलाई लगेगी तो हमारा चूड़ीदार पजामा तैयार हो जाएगा। और ये दोनों साइडों पे ये सिलाई लगाने के बाद 1 इंच की इसको ऐसे फोल्ड करना है। मैंने तो ये एक्स्ट्रा कटिंग कर ली, ये 1 इंच जो था कपड़ा, तो मैं अब कम ही कपड़ा रखूँगी। आप लोगों ने ज़रा अंदर रख लेना कपड़ा, बाद में अगर खुला भी करना पड़े तो बंदा कर सकते हैं, मेरे वाली गलती नहीं कर देगी सर ने। पक्का करेंगे इसको, वैसे जो ओवरलॉक बंदा करवा रहे तो काम चल रहा था उससे। ठीक है, मैंने कपड़ा फोल्ड हमेशा मैंने बाजू हो या ट्राउज़र हो मैंने नीचे से ये फोल्ड करना था, फिर ये बाहर को निकलता हुआ नज़र नहीं आता, इतना बुरा लगता है वो चूंच से निकली हुई इसकी। कपड़ा मैं स्टिचिंग में कम ले रही हूँ क्योंकि मैंने कटिंग में ज़रा ज़्यादा कर दिया है, इसलिए आप लोगों ने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है कटिंग जो सिलाई में आना होता है वो 1 इंच। तकरीबन हमारा ये जो पजामा है तैयार होने वाला है।
ये आप ऐसे खोल के रख देना ज़रा ज़्यादा सफाई रखना, एक साइड को कर देना ज़रा। यहाँ पर आप एक साइड से सिलाई लग गई है, अब इस साइड से आपने पक्का कर लिया इसको, ये कट करेंगे। अब ये दूसरी साइड पे आपने जितना उधर खांचा रखा है, निशान लगाने की अगर ना ज़रूरत भी पड़े, आप कहते हैं कि हमें निशान लगाने की ज़रूरत ना पड़े, तो फिर हम क्या करेंगे, ये देखें ये खांचा रखा, इसको ये स्टिच हो गया, ठीक है। इसका अंदर ये स्टिच हो गया, इसके ऊपर इसको रखेंगे, ये देखिए निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया इतना। यहाँ से पकड़ें, इसको रख दें, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा उसी तरह जैसे उसको पक्का किए, इसको भी हम पक्का कर देंगे। और ये वाला कपड़ा है अंदर को फोल्ड करना है, मैं बार बार बता रही हूँ कपड़ा अंदर को फोल्ड करना है, बाहर को ये चोंच सी निकली हुई अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे सफाई आती है स्टिचिंग में। जिस तरह उधर सिलाई की है उसी तरह आपने, अगर आप लोगों को लगे कि थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो आप निशान लगा लगा सिलाई लगा लें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा होता है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो बेल आइकन होता है उस पर भी क्लिक कर दिया करें, क्योंकि मेरे जितनी भी नई वीडियोज़ आएंगी तो उस पर क्लिक करने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी फ़ौरन। वैसे आपको ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें, तो अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको मेरी वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, जो ही वीडियो अपलोड की आपको मिल जाएगी। धागा भी टूट गया, मैं धागा डाल दिया, धागा डाल दिया। धागा से भी टूट रहा है, जब ज़रा खेल जा ऐसे नहीं टूटता, तेल वगैरह जैसे हमें खुराक की ज़रूरत होती है मशीन। हमारा ये चूड़ीदार पजामा तैयार हो गया है, अब मैं आपको ये सीधा करके बताती हूँ कि क्या बना इसका। ये लीजिए, ये रेडी हो गया हमारा चूड़ीदार पजामा, ठीक है। ये देखिए, ये जोड़ था जो डला था इसमें, और ये हमारा चूड़ीदार पजामा। नीचे से ज़रा मैंने ये इतनी इतनी फिटिंग रखी हुई थी ना, यहाँ से एक जैसी फिटिंग आ रही है इसकी। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।